I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of यूके सुपर स्पोर्ट के तमाम नाजरीन को दाऊद मुझ सलाम कहना चाहता है। मेरे साथ आज पाकिस्तान टीम और क्रिकेट का वो गेंदबाज जिसको इंडिया वालों ने भी कहा कि जनाब ये बंदा मेरे साथ हो, हमारे साथ कभी आ जाए तो हमारी टीम पूरी दुनिया से जीत सकती है। इस दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर आए, इन जैसा ने कोई देखा? अरे इस दुनिया में बड़े बड़े क्रिकेटर आए, इन जैसा ने कोई देखा? नाम है इनका जहीर, ये देते नहीं है धोखा। बड़े बड़े चाहे कोई भी खिलाड़ी आते हैं इनके सामने, अरे देते नहीं किसी को खुल के खेलने का मौका। उसका सही कालिया मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान टीम ऑफ क्रिकेट का नंबर वन गेंदबाज माना जाता है उसका सही कालिया को। उस्तादी अस्सलाम वालेकुम। जहीर भाई मुझे तो सबसे जरा ये पहले ये बात बताइएगा कि जहीर भाई आपकी एज क्या है? 43 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम ऑफ क्रिकेट का नंबर वन गेंदबाज, ये बड़े गर्व की बात होती है। 43 साल की उम्र में आप अगर नंबर वन है पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के गेंदबाज, क्योंकि नंबर वन इसलिए हमने पूरे पाकिस्तान में कमेंट्री कर दी, हम हर जगह पे देखते हैं जहीर कालिया को बॉलिंग करते हुए। मैं इसको समझता नहीं कि मैं नंबर वन हूँ, नंबर फोर हूँ, नंबर टू हूँ, मैं गाइडर से बॉलर हूँ, एफर्ट करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह मुझे देते हैं, और मैं बहुत ही अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया, साल 2000 जब शुरुआत की मीन टू से जना उस्ताद जहीर कालिया ने, आपको आज 22 साल हो गए, 2022 चल रहा है, 22 साल हो गया पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में और 22 साल मेरी एज है। मतलब कि जब मैं पैदा हुआ था तब उस्ताद जहीर कालिया टेबल क्रिकेट प्रोफेशनली तौर पर स्टार्ट की थी 98 में। जब सर ये बताइएगा पहले मैच में आपको फील कितनी टेबल क्रिकेट का जो पहला मैच हमने आउट ऑफ टाउन खेला? जब ममालिक आपने टेबल क्रिकेट खेल के दौरा किया है, क्योंकि माशाल्लाह से इंटरनेशनल टेबल क्रिकेट का खिलाड़ी मुझे तकरीबन चार पांच शहर में गया हूँ, गंदे में खेलने गया हूँ, उसमें वहाँ का मकसद है और आपका टेबल क्रिकेट में कौन उस्ताद है? क्योंकि आप तो हजारों दुनिया के उस्ताद माने जाते हैं, लेकिन आपका टेबल क्रिकेट की दुनिया में कौन सा उस्ताद है, मतलब कि जिसने आपको सिखाया और टेबल क्रिकेट में शुरू में आपको मोटिवेट किया हो? उसमें तो मैं तो उस्ताद तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रमोट किया था उन्होंने, नहीं मतलब वो आपको सिखाई है चीजें कुछ मैचेस के अंदर, जब ही ऐसे बॉल करनी है, जब आप उसमें तो करे काफी सीनियर है वो भाई उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया था बैट में बॉलिंग में, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में कोई भी एक कामयाब बॉलर है उसको एक कामयाब सफर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए जिंदगी में, मतलब कि फिटनेस के लिए पहले कामयाब बॉलर करने के लिए बनने के लिए फिटनेस होना जरूरी है, और वो आप कितना मेंटेन करते हैं? मैंने जब से जब भी आपको देखा आप बिल्कुल एक स्लिम और टाइट जिस्म वाले,
देसी खाना चाहे और दूध पिया करे और अपने रनिंग करे ट्रेनिंग करे ये चीजें होती है बॉलर के लिए उसमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता हम सब ये चीज करते हैं जब जहीरकालिया को मैच के अंदर थके लग जाते हैं मैंने अमूमन देखा कि जहीरकालिया रेस्ट करने के बाद दोबारा वापस आ जाते हैं फॉर्म में तो ये रेस्ट करने का कुछ राज है क्योंकि मैंने देखा कि कुछ इवेंट के अंदर ना अप्स एंड डाउन चलती है क्योंकि बॉलर ही उनको थके लगते हैं बॉलर के अलावा और कोई मतलब कि बैट्समैन को बैट्समैन थके लगा नहीं सकता तो बॉलर को ही लगते हैं तो मैंने देखा कि उसका जहीरकालिया रेस्ट करने के बाद दोबारा वापस आते हैं ये क्यों क्यों खासियत है वो होता है इस तरह की कब जब सीजन क्रिकेट होती है ना तो हम बहुत सारे क्रिकेट खेलते हैं तो हम सब दो हफ्ते घर भी नहीं जाते और हर रोज भी हम एंड खेलते रहते हैं और बॉडी में इतनी सगर भी होती है बंदा ज्यादा खेले इसके अलावा इसलिए ना फिर थोड़ी रेस्ट करनी पड़ती है दो चार दिन हफ्ता भी रेस्ट करनी पड़ती है बॉडी को भी मसल को भी थोड़ा सा रेस्ट दूर हो जाता है उसके बाद बन जाता है और तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैट्समैन छक्के खाते हैं तो क्रिकेट छोड़ देते हैं इसका मतलब ये नहीं होता अब तो चलते रहता है बॉल के ऊपर बैट्समैन चलता रहता है और थोड़ी सी मेरी इंजरी भी थी बिल्कुल एक बार मन से और अलहमदी बच्चों ने काफी मैं रिकवर किया बेहतर हो रहा है इनशाला और दुआ करता हूँ कि नजर आऊँ और मुझे खुशी होती है मैं जो है परफॉर्म करता हूँ उन्होंने जाके खेलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बात है ये तो हमारे प्रोफेशनल भी है वो क्रिकेट है जी मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम ऑफ क्रिकेट में माशाल्लाह से आपने कदम रखा तो जिंदगी में इंसान की अप्स एंड डाउन होती है कभी इस तरह जहीरकालिया का दिल बर्दाश्त हो जाए क्योंकि इंसान के साथ ये पूरी जिंदगी में चलता आता है खुशी गमी साथ चलती है कभी इस तरह जहीरकालिया ने कह दिया कि भाई आज के बाद क्रिकेट नहीं खेलना है मैंने छोड़ दिया और दिल से निकाल दिया लेकिन फिर फैंस की मोहब्बत ले आती है मैदान में तो कभी कभार जिंदगी में ऐसा होगा क्योंकि आपका एक लंबा कैरियर है 22 साल एक मैं ही रखते हैं सबसे पहले तो ये बात करूंगा स्पोर्ट्समैन के लिए वो उसको ये चीज अपने ब्रेन में अपने दिमाग में कभी जारी भी नहीं चाहिए कि मैंने क्रिकेट छोड़ देनी है सारी बात है क्रिकेट छोड़ देनी है वो भी स्पोर्ट्स पर बन नहीं सकता दोबारा सीधी बात है स्पोर्ट्स पर कोई कामयाब है जो क्रिकेट के साथ नजर रहे और हार ना माने एंड तक उसकी एफर्ट करता रहे क्रिकेट को छोड़े ना वही मतलब कामयाब है क्रिकेट को आपने नहीं छोड़ा क्रिकेट को छोड़ने लगा बात है आपने क्रिकेट को नहीं छोड़ना क्योंकि आप एफर्ट करेंगे क्रिकेट खेलेंगे परफॉर्म करेंगे मेहनत करेंगे तो अलग अलग आपको साथ देगा क्रिकेट को आप नहीं छोड़ेंगे जहीर भाई पहले मैच में आपको माशाल्लाह से 200 रुपया फीस मिली क्योंकि आपका आपको 500 रुपया फीस मिली लेकिन आजकल आप पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में रह के क्योंकि अब्रॉड कंट्री में जो लोग कमा रहे हैं उनसे माशाल्लाह एक अच्छा वेल सेटल्ड कमा रहे हैं एक अच्छा घर है गाड़ी है सारा कुछ है लेकिन जहीर भाई आप एक मैच की कितनी फीस टेबल क्रिकेट में ले रहे हैं ये तो लोगों का साथ होता है पहले 500 था तो आपको बताया कि जैसे लोग गूगल का 20-25 बढ़ाता होता है अब बाकी क्रिकेट में ज्यादा पहले फेसबुक भी नहीं थी ना सोशल मीडिया था अब तो काफी मीडिया है इससे काफी कंपनीज इन्वॉल्व हो गई है काफी बड़े फंड भी आ गए हैं वक्त के साथ साथ हर टीम भी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस कवर बनाया हुआ है कि सिस्टम पे अल्लाह का शुक्र है काफी अपनी फैमिली वगैरह दो चला रहे हो अल्लाह का शुक्र है बड़ा ही गर्व हो रहा है अल्लाह की सर जी आप कितने भाई हैं जरा ये भी बता दें क्योंकि हमें भाई आपके का नहीं पता है नहीं मेरे 3 भाई हैं एक मेरा और भाई है भाई का आपके बैठा है क्या क्या नाम है उनके अगर उस्ताद जहीरकालिया क्रिकेटर ना होता तो क्या होता पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में आने वाले वक्तों में कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो आपको दिखता है कि भाई ये जहीरकालिया की तरह बॉलिंग करेगा मतलब आपके लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है लेकिन आपके लेवल तक पहुंचना वो एक पॉसिबल है कि भाई इस तरह जहीरकालिया की तरह की बॉलिंग करता है पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में आने वाले वक्तों में कौन सा ऐसा गेंदबाज देखे ताकि वो भी आपकी बात सुन के मेहनत करना शुरू कर दे आज से पहली बात तो पहले भी मेरी शाहजहां भाई है हमारे टीम के बड़े अच्छे सीनियर है उस्ताद भी है सबके और उनके बच्चे बाद में पहले भी डिस्कस करती हुई है कि क्रिकेट अभी जो क्रिकेट जितनी भी हो रही है वो टोटली क्रिकेट बैटिंग भी हो रही है बॉलिंग की नहीं इतने नहीं बहुत आते भी नहीं है कि वो इधर स्कोर लगता है तो 2-4 दफा महीने खेलते हैं और डिस्चार्ज होकर छोड़ देते हैं या इंजर्ड होकर क्रिकेट छोड़ देते हैं ये वजह से बॉलर आते ही नहीं है क्योंकि क्रिकेट में इतनी उनको फुट लगती है वो जरा डिस्चार्ज हो जाता है उसकी वजह से ना वो काफी दिल बर्दाश्त होकर क्रिकेट छोड़ देता है मैं तो मुझे नहीं लग रहा अभी तक कोई बंदा मैं ये नहीं कहता कि मेरे जैसा बनना तो नामुमकिन नहीं है हर बंदा बन सकता है लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल है मेहनत है एफर्ट है
बंदे को उसमें लगे रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्रिकेट को छोड़ना नहीं चाहिए। मेहनत थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होते हैं, आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, वो थोड़ी सी क्रिकेट को लेवल में लेके आए कम अज कम, ताकि क्रिकेट लेवल की हो, बॉलर के लिए बैट्समैन के लिए लेवल की हो, ताकि इनको आगे नए प्लेयर और नए टैलेंट निकले का मौका मिले। तो यही वजह है हमारे पास में बॉलर ही नहीं है, सिर्फ पांच सात बॉलर है, सात आठ बॉलर है, वो नहीं आते। कोई एक फेवरेट बॉलर? फेवरेट अभी तो मुझे मेरे दिल में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि मेरा तो फेवरेट बॉलर है, कोई भी नहीं है। पहले होते थे जब हमारी क्रिकेट स्टार्टिंग थी उस टाइम पाकिस्तान के ऐसे बॉलर थे, अभी तो मुझे इसमें कोई लग नहीं रहा कि वो जो इतना लॉन्ग टाइम या कोई लंबी क्रिकेट खेल रहा है। मतलब अभी से लगा भी अभी जो हर तरफ आपको पता है हर बंद को स्कोर लगता है। एक चीज मैंने और देखी है, अपने जितने भी नए टैलेंट लड़के हैं ना, उसमें चीज यही होती है कि जब क्रिकेट में पैसा तो आ गया हुआ, लेकिन वो एफर्ट नहीं करते, सीधी बात है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को ही करते हैं, ज्यादा चाहे बैटिंग से है, नाम के पैसे ले लेते हैं। हाँ, नाम के पैसे होते हैं, क्रिकेट में सारी बात है कि स्पोर्ट्स में प्लेयर पैसे चार्ज होते हैं, वो खिलाड़ियों की मजबूरी भी होती है, लेकिन मैं यही कहूंगा सब भाइयों से, चाहे बैट्समैन चाहे बॉलर है, अभी जहाँ भी गए क्रिकेट की एक अपने आप मेहनत करें, एफर्ट करें, ताकि उनको पता हो क्रिकेट तो पार्ट ऑफ गेम जीत हार होती है, लेकिन ग्राउंड में आप नजर आओ जिसने मेहनत की है, एफर्ट की है, और उनको नजर आना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए जाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर देना चाहिए, इतना क्रिकेट का मजा नहीं है, वो सिर्फ एक दो महीने तीन महीने बना खेल सकता है, उसके बाद सारी बात है कि फिर आप जब छक्के लगेंगे तो बंदा बुलाएगा नहीं। शॉर्टकट किया अपने आंसर देना, टेबल क्रिकेट में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? काफी अच्छे हैं कोई एक टेबल क्रिकेट प्लेयर में से, बैटिंग का बॉलिंग क्रिकेट में? मैं ये कहूंगा हमारी फैमिली है जिसमें सब हो रहा है। नहीं, कोई एक अच्छा दोस्त जिंदगी में जो काम आया आपके? काफी है, कोई एक नाम है? नाम मैं आपको पूरी उसमें जो मेरा वैसे क्रिकेट जो छोड़ चुके डॉक्टर द्वारा की बात है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और काफी देर से क्रिकेट इकट्ठे खेलते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा समूह है, उम्र भाई है, काफी लड़के भी है जो करते हैं विद फैमिली का अच्छा। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में फेवरेट ब्रॉडकास्टर कौन है? सारे ब्रॉडकास्टर अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छा काम करें, लेकिन कोई जल्दी नहीं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा सीधी बात है, उसमें पांच छह बंदे हैं जो पाकिस्तान को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, उसमें आप भी हो, मैं सर भी है, आप तो बुखारी भाई भी है, उसके वो भी काफी बंदे हैं, मेरे दिल में भी नहीं आ रहे। पहले मैच में आपने 500 रुपए फीस ली, एक साल में आप टेबल क्रिकेट में कितना पैसा कमा लिया, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि भाई आप टेबल क्रिकेट की तरफ आए, उस्ताद हमारा एक साल में इतने पैसे कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा सकते, हम उस्ताद से डबल कमा सकते हैं। सो अब अगर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में आप एक साल में कितना पैसा कमाते हैं? नहीं, मैं ये तो गेस्ट मेरे कभी अंदाजा कोई भी अंदाजा भी, तमूर भाई से मैंने पूछा था, तमूर कह रहे थे मैंने 50 तक कमाना है, कमा लेता हूँ, 1 करोड़ तक कमा लेता हूँ। खुरम का कहना था जनाब मैं 50 लाख रुपए कमाता हूँ। आप एक साल का एज ए बॉलर होने के नाते, पाकिस्तान का बिगेस्ट जो कैरियर वाला बॉलर है उसका होने के नाते, आप कितना कमा रहे हैं एक साल में? ये गरीब बात है, वो बैट्समैन है तो अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बॉलर पाकिस्तान का ही हूँ, लेकिन मैं भी अगर वो इधर कमाते तो गरीब बात है, मैं भी इतना पास कमाता ही होगा। नहीं, यही कुछ 40-45 के पास 50 लाख रुपए आइडिया। बिल्कुल जी, 50 लाख रुपए पाकिस्तान में टेबल क्रिकेट खेल के हक हलाल की रोजी कमाते हैं। सोचता सही कालिया ने टाइम दिया, अभी आपका मैच भी है, थैंक यू सो मच। यूके सुपर स्पोर्ट टीम का कहना चाहेंगे राजा अफजल के हिसाब से आपकी मैसेज? नहीं, मैसेज लगी है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं सब भाई से गुजारिश करता हूँ इनके पेज को और इनके जो है एडमिन को जो चला रहे हैं, एफर्ट काफी किया है, इनको पेज को लाइक करें। उस्ताद जी, डाउट बूस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में सबसे अलग से मुनफरिद किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं दुबई में बैठने गए, यही मैं आपको वो बैठ के मियां मिट्टू बनना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने मेहनत की है हर लीग में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रहा हूँ। सही कहा, आखिरी मतलब डाउट बूस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे, आपने 22 साल के कैरियर में और भी कमेंटेटर देखे हैं, सारे माशाल्लाह अच्छा काम करें, लेकिन मैंने ये इंटरव्यू लेने वाला सबसे मुनफरिद काम किया है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने प्लेयर्स का बैकअप बताया, भाई ये बंदे ने कब क्रिकेट शुरू की, आप कमेंट्री में भी देख रहे होंगे, मैं उसकी हिस्ट्री बता रहा होता हूँ, तो ये कैसा काम है, क्या कहना है? माशाल्लाह ही अच्छा काम कर रहे हो आप, और ऐसा होना भी चाहिए ताकि इतना काफी प्लेयर प्रमोट ही होते हैं, उनको काफी आगे आने का मौका भी मिलता है, उनको होता भी होता है कि भाई बाकी मैं फेसबुक पे मेरा इंटरव्यू चलता है, हर चीज मेरे मिलता है, और इतना होना चाहिए यार ताकि हर बंदे को होता नहीं होती है। ये मैं इंटरव्यू का आपको लिंक भेजूंगा, आपने शेयर करना। हाँ इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू सो मच, लव यू यूके सुपर स्पोर्ट्स, हमेशा जिंदाबाद राजा अफजल क्यानी, जहाज कल हमारी पूरी फैमिली, थैंक यू सो मच। विकेट आज तक विकेट साइकिल लंबी होती है, कितनी विकेट होनी चाहिए? तो आजकल की क्रिकेट जो हो रही है टोटली, वैसे आपको पता है बैटिंग ही हो रही है, 26-22 घंटे लगाते हैं, ओवरऑल जो क्रिकेट होती होनी चाहिए कम अज कम रात के टाइम जो नाइट क्रिकेट होती है उसमें 24 होनी चाहिए, ये इतनी छोटी भी नहीं होती 24 घंटे की विकेट, लेकिन ये दोनों के लिए फेवर होती है, बैट्समैन बॉलर के लिए, और डे में कम अज कम 23 घंटे होनी चाहिए, दिन में आपको पता गर्मी होती है, मौसम गर्म होता है, हवा काफी होता है, ताकि बॉलरों के लिए थोड़ा सा स्कूल का साथ मिले। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हैं, कमेटी वाले बंदे हैं, उनको चाहिए प्लीज काइंडली क्रिकेट को बराबर लेवल पे लेके आए,
सिर्फ एक साइड से ना करें, आपकी मेहरबानी है ताकि आपको पाकिस्तान में नया टैलेंट सामने मिले खेलने का, देखने का, मिलने का। पाकिस्तान में वही बंदे नजर आते हैं, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, बंदे कम होते जा रहे हैं, नए बंदे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। यही वजह ना कि इसमें थोड़ी भी क्रिकेट में उस पर फर्क आ रहा है। रिक्वेस्ट करते हैं बॉलर क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में, आखिरी सवाल है, टेबल क्रिकेट में बॉलर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बॉलर का तो होना जरूरी है, पाकिस्तान में नए बॉलर आने चाहिए, लेकिन हमें उसका कहीं कालिया शाहजहां मीर जट या डिफरेंट जो नाम है, दो महीने के लिए चार महीने क्रिकेट के लिए, उसके बाद खत्म, घूम जाते हैं। लेकिन आप लंबे करियर के साथ चल रहे हैं तो बॉलर क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में? तो ये वजह है कि जब बंदा जब बॉलर जब स्कोर लगता है क्रिकेट में तो फिर एक दो दफा खेलता है, बस उसके बाद डिसाइड हो जाता है, तो फिर सारी बात है क्रिकेट छोड़े नहीं ना। इसलिए मैं कहता हूँ रिश्ते कम तुम लेवल के लिए दही कालिया जो बॉलर है वो चेन पहन लेते हैं, वो क्या चीज है? क्योंकि मैंने आज तक दही कालिया को चेन पहन के बॉलिंग करते नहीं देखा है, लेकिन दही कालिया ये बॉलर के लिए एक अलग से स्टाइल बन जाते हैं, वो चेन ले कैसे घुमाना, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब सर अभी दो दिन नहीं होते जनाब टेबल क्रिकेट में आए हुए लड़कों को, वो जनाब आके चेन पहन के बॉलिंग कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? पहले भाई स्टार बनो, फिर आप चेन पहन वैसे भी चलिए। ये तो उनके फिर जो की बात होती है बंदे की, ये स्टार बनना है बात मुमकिन नहीं है बता दो इंडिया में, स्पेशल इंडिया वाले कहते हैं अभी पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है सुपर सिक्स चैंपियन ट्रॉफी इंटरनेशनल लेवल पे, नवीद सब करवा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और आप 19-20 नवंबर को जा रहे हैं खेलने के लिए, क्या जज्बात होंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच है? हाँ इसमें मैं तो उनके लिए नवीन भाई का स्पेशली थैंक्स हूँ कि उन्होंने इसका जो उन्होंने किया है, काफी कंप्लीकेटी में आ रही है, उस तरह क्रिकेट होने भी चाहिए इंशाल्लाह, और आप भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, हम भी पूरे चलो जा रहे हैं, उमर भाई जो एक पाकिस्तान में वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, हमारी पूरी स्ट्रगल और मेहनत उनके साथ है इंशाल्लाह, और इस तरह क्रिकेट होनी चाहिए अदर कंट्री में। इंडिया के साथ मैच होगा तो कृष्णा उनका कप्तान है, उसको टारगेट करेंगे? हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि हमें 6 ममालिक आ रहे हैं जिसके अंदर, सो पाकिस्तान की टीम क्या फाइनल जीतेगी कुछ साल थोड़ा इसके वाले से? क्यों नहीं इंशाल्लाह, नहीं हमारी टीम पाकिस्तान की आपको पता है क्रिकेट टेबल की है, तो इंशाल्लाह जीतेंगे, टीम भी बड़ी अच्छी है, और जारी बात है वहाँ पे जाकर जारी परफॉर्म जो करेगा बंदे जो एफर्ट करेगा जीतेगा, वही चाहे इंडिया की टीम हो चाहे पाकिस्तान की टीम हो चाहे बांग्लादेश की हो चाहे किसी कंट्री की टीम हो, जिसने रखनी है जिसने एफर्ट करनी है। लेकिन इंशाल्लाह जो कप है पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, उस्ताद जहीर कालिया ने आज से बैठ के इंडिया को चैलेंज कर दिया है कि इंडिया वालों तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़े। नहीं इंशाल्लाह जिनको पता चलेगा पाकिस्तान से मैच खेले टेबल पर, क्योंकि हम तो टेबल पर प्रोफेशनल है, तो इंशाल्लाह उनको पता चलेगा पाकिस्तान से हिंदी का मैच होगा इंशाल्लाह, वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। 19-20 नवंबर को नवीद साहब जनाब सुपर सिक्स चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं और हम आ रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का शहजादा। दादा उस्ताद जहीर कालिया ने आज ऐलान कर दिया है, उस्ताद जी बिल्कुल रेडी हो 19-20 नवंबर को इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए, भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पूरी हम तो पूरी एफर्ट करते हैं, पूरी एफर्ट कर थैंक यू सो मच जनाब।